भोपाल में एक जन जागृति सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसके मुख्य वक्ता एमएल गंगोरे जी रहे। एमएल गंगोरे जी एक समाज सुधारक हैं। इन्होंने समाज के लिए कई किताबें लिखी हैं, जिनमें उनकी मुख्य किताब सदगुरु रविदास एक सच्चाई है, जिसको पढ़कर लोग समाज के प्रति जागृत होते हैं। समाज को आगे बढ़ाने के लिए गंगोरे जी ने कई अथक प्रयास किए हैं। सम्मेलन आयोजित किया गया है, क्या उद्देश्य है? देखिए, आज जो सम्मेलन आयोजित किया गया है भोपाल के संत शिरोमणि रविदास मंदिर में, और इसका उद्देश्य ये है कि समाज के जितने संगठन भोपाल में हैं वो एक मंच पर आए और समाज को जागृत करने की कोशिश करें। समाज को जागृत करने के पहले खुद जागृत हों। मुझे ऐसा लगता है कि हमारा समाज जागृत जितना होना चाहिए उतना हुआ नहीं है। पिछले आज़ादी के 75 साल के बाद में हमारी स्थिति में थोड़ा सा मामूली से सुधार आया हुआ है, मगर लोग कहते हैं कि बहुत सारा जागृत हो चुका है, तो मैं तो ज़्यादा जागृत नहीं मानता हूं, क्योंकि हम लोगों की सोच है वहीं के वहीं है, सोच वहीं के वहीं है। तो जागृत होना मतलब अपने आप को जागृत कर लेना। जब अपने आप को आप जागृत कर लेते हैं तो आपका समाज जागृत होता है। समाज इंसानों से ही बनता है, पब्लिक से बनता है। हमारे मन में अभी बहुत सारी प्रथाएं, बहुत सारी कुप्रथाएं चल रही हैं, जिस पर हम कहते हैं कि कुप्रथाओं को दूर करना चाहिए। मृत्युभोज को ले लीजिए, मृत्युभोज दूर करना चाहिए, सारे लोग कहते हैं, मगर वो कहते हैं ही है, मृत्युभोज को दूर करने के लिए उनके पास कोई उपाय नहीं। आए दिन स्वागत जिंदगी के लिए भोपाल मध्य प्रदेश से धीरज कुमार की रिपोर्ट।